अब हम सिक्स क्वेश्चन का पीएनडल पार्ट कर रहे हैं, तो जो जो जीपी आया बेटा इसको आप यहाँ पे ले आते हो बाय जीपी करके, जो आ गया आपका 13,500 और 38,500। अब हम पढ़ते रहेंगे कौन कौन से खर्चे जो हैं वो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 1500 इकट्ठा दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट को हम मैंने आपको पहले भी बताया, जब ये कंबाइन दिया हो और अगर हमने बांटना हो तो किस रेशो पे बांटते हैं, सेल रेशो पे बांटते हैं। 18,000 और 90,000 इसको हम कट करेंगे तो हमारा रेशो क्या आ जाएगा, 300 यहाँ से गई, 3 यहाँ से गई, 18,90। तो 18,90 रेशो में हम बांटेंगे, तो इसको अगर हम 18,90 में बांटें तो वो रेशो आ जाएगी, इसको कुछ और छोटा कर दे तो 1:5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो 1:5 रेशो में अगर हम एडवर्टीजमेंट का खर्चा बांटे तो 61 कितना जाता है हमारा, 61 हमारा जाएगा, इसके पास 1 है, 250 करके देख लीजिए, 1/6 और 5/6 एक जगह हमारे आ जाएगा, 1250, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एडवर्टीजमेंट हो गया पैकिंग एक्सपेंस, वो केले ट्वाइस के हैं ब्रैकेट में तो केले ट्वाइस को ही देंगे, 2 पैकिंग एक्सपेंसेस ट्वाई में आ जाएंगे 600 के। उसके बाद आ गया 2 ऑफिस एक्सपेंसेस, ये है आपके ऑफिस एक्सपेंसेस, वो कितने के हैं, वो आपको दिए हैं 4800 के। और ऑफिस एक्सपेंस को भी हम सेल रेशो पे ही करते हैं, सेल रेशो हमारी 1:5 थी तो 1:5 पे हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने ऑफिस एक्सपेंसेस आ जाएंगे, 4800 को हम 1/6 कर रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है 800 एंड जो बच गया 4000, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन फैक्ट्री इक्विपमेंट की भी है और बिल्डिंग की भी है, पहले तो हम फैक्ट्री इक्विपमेंट वाली देखते हैं। फैक्ट्री इक्विपमेंट वाली आपको दी है 3200 की, और 3200 में उसने बोला टॉय मेकिंग डज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट। टॉय मेकिंग वाला जो डिपार्टमेंट है उसको किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती, इट मीन सारी की सारी जो फैक्ट्री इक्विपमेंट की जो फैक्ट्री इक्विपमेंट है वो कहाँ लगे हुए हैं, वो टिन्स डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं। तो वो सारा का सारा खर्चा आपका किसका होगा, जो फैक्ट्री इक्विपमेंट का वो टिन्स डिपार्टमेंट का डेप्रिसिएशन का खर्चा माना जाएगा। तो 3200 डायरेक्टली यहाँ पे चला गया, आगे आ गया बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन। तो जो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन है बेटा, तो बिल्डिंग में उसने बोला है कि पूरी बिल्डिंग का सिर्फ 1/8 हिस्सा टॉय डिपार्टमेंट ने घेरा है, बाकी सारा हिस्सा किसने घेरा है, टिन डिपार्टमेंट ने। तो ऐसे ही जो बिल्डिंग है उसका 1/8 हम डाल देंगे जो टॉय ने घेरा है टॉय में, बाकी का सारा टिन में डाल देंगे। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन आपको दी हुई है 1600 की, उसकी अगर हम 1/8 करें तो 200 हमारा आ जाता है टॉय डिपार्टमेंट में, और बाकी बच कितना गया, 1600 का 200 निकाल दें तो 1400 आ जाएगा हमारा टिन डिपार्टमेंट में। तो यही था, बाकी सारे हमारे खर्चे डल गए हैं, जब इसमें से हम इसको लेस करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी अगर हम देखें टॉय डिपार्टमेंट का आ जाएगा 11650, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, और दूसरे का आ जाएगा 2650। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, तो अगर आपको कोई दिक्कत हुई तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो। थैंक यू सर।